हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज भी हम लोग करीब करीब 3 से 4 शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला शेयर मैंने सिलेक्ट किया है वो है इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली पूछते चले जा रहे। फ्रेंड्स, ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है और बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, हाई लेवल पे हम लोगों ने इस पे बाई किया था। फ्रेंड्स, मैंने इस शेयर से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी किया है और जो कुछ भी जो आउटकम आ रहा है वो मैंने अपने हिसाब के जो स्टडी किया है ऑन दैट बेसिस में आपको वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इसका चार्ट देखोगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, तो ये आपको सच में जो कुछ भी है वो आपको सच बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चार्ट पैटर्न बन चुका है। क्या शेयर खराब हो चुका है? नहीं फ्रेंड्स, टू बी द ऑनेस्ट, शेयर खराब नहीं हो चुका है, बट इसका जो चार्ट है वो शॉर्ट टर्म बेसिस अगर आप चेकआउट करेंगे, 1 साल का चार्ट आप देख सकते हो, ये डाउन ट्रेंड में है। मतलब आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि शेयर एक उछाल बनाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, वापस वही उछाल पे आने के बाद उसका जो उछाल है वो बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद वापस शॉर्ट टर्म उछाल आ जाता है और उसके बाद वापस नीचे डिप डाउन आ जाता है। मतलब वापस अभी ये 3 बार ऐसा हो चुका है, तो आने वाले समय में भी ऐसा संकेत दे सकते कि वापस ये 725 ये और भी नीचे आ सकता है। और आप सभी लोगों को पता है कि अभी मार्केट ने बहुत ही अच्छे खासे से रिकवरी किए और वो रिकवरी के पीरियड में भी ये शेयर है वो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। फ्रेंड्स, मेरी जो बात है उसको नेगेटिव मत लेना, मैं जो अभी सिचुएशन कह रहा हूँ उसके हिसाब से ये चल रहा है। अगर आप इसके, अगर मैंने NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की है इस शेयर से रिलेटेड। अगर आज का कारोबार देखें तो 17% तक आप देख सकते हो इसमें डिलीवरी हो चुकी है। और अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि कंपनी लॉस में तो नहीं है। अगर आप पिछला क्वार्टर देखोगे तो ये 93,000 लैक्स में रुपीज़ प्रॉफिट था, वो नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ के 95 हो चुका है, तो कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। और आप इसका संकेत नीचे भी देख सकते हो कि कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छे खासे दिए और बहुत ही, मतलब देखते कंटिन्यूसली डिविडेंड देते ही चली जा रही है, बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है। अगर आप देखोगे तो 2018 में 1, 2, 3, 4, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटली, यहाँ पे एक इंटरिम डिविडेंड दिया था मई 18 में, उसके बाद अगस्त में भी दिया था 18 में, उसके बाद अक्टूबर में भी दिया था, तो ओवरऑल कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। तो मेरा अल्टीमेटली कंक्लूजन यही मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनी का शेयर खराब नहीं हुआ है जितना आप सोच रहे हो कि एग्जिट कर ले। मतलब जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है, जो बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं हमारे पास ये शेयर है, तो उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको ये शेयर होल्ड करना पड़ेगा, बट इसका होल्डिंग पीरियड बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही चार्ट पैटर्न अगर आपने देखा तो वहाँ पे एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है। तो मैं अल्टीमेटली आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जिनके पास भी ये शेयर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वाला, आपको बस होल्ड करना है और आपको जो नज़रिया है वो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, दैट्स इट। मतलब इतना शेयर ख़राब नहीं है। मतलब अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो अशोक लेलैंड भी आप देख सकते हो, अगर अशोक लेलैंड का चार्ट पैटर्न निकाले तो 160 का शेयर है, वो अभी चल रहा है 90 के नीचे, आज भी वो 90 के नीचे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपके पास अगर होल्डिंग रहेगी अशोक लेलैंड की तो आप उसको शेयर ख़राब बोल के लॉस बुक करके एग्जिट कर लो, नॉट एट ऑल। मैं उनको भी जो राय देता हूँ वही राय आपको भी देना चाहूँगा कि आपको वो होल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे लोग पूछते कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है कि हम लोग बता देंगे कि इतना टाइम लगेगा, बट आपको करीब करीब 6 से 7 या फिर 1 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, डेफिनेटली होल्ड करना पड़ेगा। आपको वापस वो अपने प्राइस पे दिखेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको मैं एग्जिट के सलाह दे देता, कब, जब यहाँ पे अगर आप देखते कि पिछले क्वार्टर से अगर इनका जो ये था प्रॉफिट था अगर वो कम हो जाता, मैं इंडिया हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये क्वार्टरली प्रॉफिट दिख रहा है आपको 93,000, अगर वो यहाँ पे लो डाउन हो जाता, नीचे आ जाता, तो हम लोग बोल सकते कि इनका बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्वार्टरली लॉस है, बट लॉस भी नहीं है फ्रेंड्स, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको डिविडेंड भी इतना अच्छा खासा दे रही है, तो आप देख सकते हो ये शॉर्ट टर्म में वीकनेसेस ज़रूर है, वो अगर आप चार्ट देखोगे तो वीकनेस आपको ज़रूर दिखाता है, बट इसका मतलब कंक्लूजन ये नहीं देता है कि आप उसमें से एग्जिट करके निकल जाओ। तो आखिर में मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जिसके पास भी ये शेयर है जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा और लंबी अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो ये था मेरा सबसे पहला शेयर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैंने शेयर सिलेक्ट किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी नीचे कमेंट सेक्शन में कि बर्जर पेंट।
बर्जर पेंट ये शेयर कैसा है? फ्रेंड्स मैं इसका ओवरऑल चार्ट बता दूँ तो ये अप ट्रेंड में ही है, बट ये शेयर किन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा जिगर है। क्यों मैंने ऐसे कहा, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी। मतलब आज ये आपको सपोज़ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 100 रुपये पे दिख रहा है, कल ही आपको 40 पे भी दिख सकता है, परसों ये आपको 120 पे भी देख सकता है, उसके थोड़े दिन बाद ये आपको वापस 70-50 के करीब दिख सकता है। मतलब वॉलेटिलिटी ये जो ऐसे ऊपर नीचे वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है। अगर आप बाकी स्ट्रांग फंडामेंटल शेयर चेकआउट करोगे जो NSE की टॉप 10 कंपनी है, वहाँ पे कैसे जाते हैं, वो वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, वो आपको थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे दिखेगा, ये ऐसे नहीं, ये इसमें बहुत ही उछाल रहता है। चलो आपको चार्ट पैटर्न पे दिखा देता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। ये देखिए क्या ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आप देख सकते, ये लेवल देखिए, उसके बाद ये लेवल, उसके बाद वापस ये लेवल, मतलब आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मतलब 313 का शेयर वापस ये नीचे आ गया, कितने पे ये देख सकते हो आप, 307 पे, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वापस आप देख सकते हो वो अपना ओरिजिनल लेवल पे वापस आ गया। तो ये बहुत ही हाईली वॉलेटाइल शेयर है, मतलब ये आज आपको 314 पे दिख रहा है जो ये लेवल मैंने आपको दिखाया, ये वापस उसी लेवल पे आ गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वापस ये शायद से नीचे भी आ सकता है। बट इसका अल्टीमेटली अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, अगर एक महीने का ये देखिए, ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, अगर आप ये भी देख सकते हो, ये अप ट्रेंड में ही चार्ट पैटर्न है, पर इसमें वॉलेटिलिटी जो मैं बात कर रहा था आप देख सकते हो, बाप रे बाप, 343, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना गिरावट, 266, उसके बाद वापस आप देख सकते हो कि 340, मतलब जो लेवल था वापस वो अचीव किया। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो मैंने इसलिए बोला कि जिगर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे 10 रुपया भी शेयर नीचे आ गया तो उनको डर लगना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा शेयर है, बट वॉलेटिलिटी इसमें हाई है। ये देखिए 5 साल का मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, अप ट्रेंड में, बट इसका गारंटी नहीं, ये आज 314 दिख रहा है, 2 दिन बाद या फिर मंडे में शायद से 250 भी आ सकता है। तो ऐसा ही ये शेयर है, अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट भी देख ले मैक्सिमम, तो भी आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में ही है। और ये सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न देख के नहीं बोल रहा हूँ, NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको थोड़े से इसके डिटेल दिखा दो। तो आप देख सकते हो NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे बर्जर पेंट मैंने ओपन किया है, तो आज का कारोबार देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए 45% बाइंग है डिलीवरी पर्पज से, मतलब लंबी अवधि के लिए अच्छा है। और ये कंपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ा देख लेते हैं, इनका प्रॉफिट बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 10,000 के करीब जो इनका प्रॉफिट था क्वार्टरली, वो नेक्स्ट क्वार्टर में करीब करीब 2,000 बढ़ चुका है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स है, ये बड़ा अमाउंट है, इतना छोटा नहीं है, और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबल है कंपनी, तो नीचे आपको डिविडेंड भी ज़रूर दिखेगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा चल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही फैंटेस्टिक ही है, 75% प्रमोटर्स के पास, बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा शेयर है, बट जैसे मैंने कहा कि जिनके पास जिगर है वही इस शेयर में पड़े, क्योंकि आज ये शेयर 314 पे दिख रहा है, पता नहीं कल ये 250 पे भी दिख सकता है, जैसे मैंने बोला जब ये बाजार खुले, और उसके बाद चाहे तो वापस ये विद इन अ मंथ वापस ये 400 भी जा सकता है या 500 भी जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जब मैंने बोला चार्ट पैटर्न इसका अप ट्रेंड में है, बट ये जो ऊपर उतार चढ़ाव है वो बहुत ही डेंजरस है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं उनको ये, मतलब बोलते हैं ना ये हाईली वॉलेटाइल शेयर होते वो उनको मतलब बहुत ही डरा देते हैं, तो इसीलिए मैं जस्ट यही सजेशन देना चाहता हूँ कि जिनके पास है ये शेयर तो होल्ड कीजिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि ये अच्छा खासा प्रॉफिट वाला ही है। और जो लोग इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते ज़रा सोच समझ के, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें ये हाईली वॉलेटाइल है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ये आपको पैसा डेफिनेटली बना के देगा। सो ये था बर्जर पेंट, बहुत ही अच्छा शेयर है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शेयर की ओर जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट शेयर आपके सामने आ चुका है और उसका नाम है वक्रांगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वक्रांगी में डे बाय डे थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो, जिस अगर मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी तभी बनाई थी तो शायद ये 50 के नीचे था, अभी आप देख सकते हैं ये 52। इनफैक्ट आप देख सकते हैं आज इसका एक पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त किसी ने हाई लेवल पे बाइंग, मतलब बहुत ही क्वांटिटी लिया है, इसलिए ये ऐसा चार्ट बना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी ने क्वांटिटी उठाई हुई है। तो वक्रांगी आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने कहा कि वक्रांगी से रिलेटेड एक रिपोर्ट MCA के द्वारा आने वाली बाकी है, अगर उसमें उसको क्लीन चिट मिल गया तो डेफिनेटली ये शेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, और इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकते हैं 90-100 तक के भी आराम से लेवल अचीव कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा जब तक ये फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं सामने आती है, हमारे जैसे लोग मतलब रिटेल निवेशकों में इसमें ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना निवेश नहीं करना चाहिए, टू बी द फ्रैंक, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इनकेस अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गया या फिर जैसे बोल दिया NSE ने या फिर MCA ने बोल दिया कि हमें और टाइम चाहिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये
निगेटिव न्यूज़ पकड़ के ये वापस एक अगर नीचे आ जाएगा तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे अगर आप उछाल देखने के बाद उनको लगता है कि अभी ये डेफिनेटली अच्छा खासा मूव ऑन कर लेगा। तो जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, ऐसे परसेप्शन आपको नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल लिए जाए तो आलोक इंडस्ट्री, आज आप देख सकते हो आलोक इंडस्ट्री, मैंने इससे पहले भी आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया था, अगर आप देख सकते हो पुराने वीडियो, मैंने क्लियर कट बना था कि आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, इसमें लोअर सर्किट लगेगा और आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, मतलब आपका जो ऑर्डर रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका हाई लेवल पे बाइंग हो जाएगा और उसके बाद ये लोअर सर्किट लग जाएगा, जो कि NSE के आज आप साइड पे देख सकते हो कि उसमें लोअर सर्किट लगा है। तो यही अगर वो रिस्क है फ्रेंड्स, वो आपको कवर करके चलना चाहिए। रिस्क है मतलब अगर नेगेटिव रिपोर्ट आया तो ये चीज़ें हमें हमारे दिमाग में रखी बाद ही हम लोगों को इसमें एंटर करना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि कुछ लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि सर हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उनके लिए डेफिनेटली मैं बोल दूंगा कि ओके आप कर सकते हो क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि रिस्क लेने के लिए तैयार है। बट बहुत सारे लोग रिटेल निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि वक्रांगी को अभी भी अवॉइड ही करो, अभी भी अवॉइड ही करना। ये जो आपको दिख रहा है उछाल, उसमें मतलब बहकावे में आप ट्रैप में फंस सकते हो, क्योंकि जो रिपोर्ट आने वाली है वो किसी को भी पता नहीं है कि वो क्या आने वाली है। अगर आप वक्रांगी का चार्ट देखोगे, मतलब ये 5 दिन का, 1 महीने का, तो आपको ठीक लगेगा। बट अगर आप 1 साल, ये देखिए 1 ईयर का देखोगे तो ये थोड़ा सा डरा देता है आपको। ऑब्वियसली इतना बड़ा गिरावट कुछ तो रीज़न की वजह से ही हुआ है और उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी की रिपोर्ट आने वाली है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट, 500 के ऊपर चलने वाला शेयर इतने नीचे आ गया है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर ये क्लीन चिट मिल गया तो डेफिनेटली ये निवेश के लिए ओपन रास्ता खुल जाएगा। बट उसके पहले अगर आप निवेश करते हो तो आप अपना इन्वेस्टमेंट रिस्क में डाल रहे हो। तो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा देख लेते हैं वक्रांगी से रिलेटेड आज इसमें बाइंग कितनी हुई, तो आप देख सकते हो कि बाइंग तो अच्छी हो रही है। जैसे मैंने कहा बाइंग तो अच्छी हो रही है, बट आपको इस ट्रैप में फंसने का नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया तो शायद से तो फिर आपको एग्जिट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा। या आप देख सकते हो इसमें ये कोई दिखाने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो सब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही है। इनका कोई रिजल्ट कौन सा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हम लोगों को तो वो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है उसके ऊपर ही इसका भवितव्य डिपेंड है। तो अल्टीमेटली मैं वक्रांगी से रिलेटेड यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, जैसे मैंने रिपीट किया इससे पहले कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप जा सकते हो, पर अपने दम पे रिस्क लेना फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला है, अपनी रिसर्च करना उसके बाद ही डिसीजन लेना। बट अगर आप रिस्क अवर्स हो, मतलब रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो, तो आपके लिए वक्रांगी के लिए रास्ते अभी भी बंद ही है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका रिपोर्ट सामने आने दो, क्योंकि जो आपको मैंने चार्ट पैटर्न बताया आप देख सकते हो 500 का शेयर इतना नीचे आया है, तो इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उसमें से आखिरी रिपोर्ट बाकी है, वो एक बार सामने आने दो तो फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। और फ्रेंड्स आज का आखिरी शेयर आलोक इंडस्ट्री, आप सभी लोगों को जैसे मैंने वार्न किया था, आप देख सकते हो आलोक इंडस्ट्री में आज लोअर सर्किट लग चुका है NSE की साइड पे। अगर आप BSE पे जाओगे तो वहाँ पे आज ट्रेडिंग हुई है और आप देख सकते हो वहाँ पे करीब करीब 5.70 के आसपास वो शेयर ट्रेड हो रहा था। तो ये जस्ट अगर आप देखोगे तो ये दोनों का गैप फिल करने के लिए आप देख सकते हो ये होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रो स्टील स्टील करके एक कंपनी था, उसका BSE और NSE में जो क्लैशिंग था वो बहुत ही हेवी लेवल का था। तो शायद से ऐसा ही होने वाला है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आपको अगर फ्रेश बायर रहोगे तो आपको आलोक इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और सडनली ये लोअर सर्किट लग जाएगा। अभी मंडे में क्या होने वाला है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि BSE पे अगर आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी और यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है। तो मंडे को जो होने वाला है वो बहुत ही नया सीखने वाला रहेगा हम आप दोनों के लिए, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है BSE पे और यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है, तो वो क्या होने वाला है कि दोनों में अभी लोअर सर्किट लगेगा या वापस अपर सर्किट या फिर ट्रेडिंग दोनों में शुरू हो जाएगी, ये मंडे में को देखने की बहुत ही एक अच्छी बात है। तो सब लोगों को वहाँ पे ध्यान होना चाहिए। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो चीज़ मैंने वार्न की थी आलोक इंडस्ट्री में, ये देखिए NSE वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि इतने सारे लोग 75% लोग आप क्वांटिटी यहाँ पर पढ़ सकते हो, करोड़ में 1,67,18,732 लोगों को ये शेयर लंबी अवधि के लिए उन्होंने डिलीवरी मतलब अपने पोर्टफोलियो में लेके रखा है 75%। जो मैंने कहा था कि जो फ्रेश बायर है
उन्होंने आलोक इंडस्ट्री में अभी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये लोअर सर्किट लगेगा और तभी आप लोगों को वो जो प्राइस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको। सो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और अगर चैनल में नए रहेंगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।